बैठे हम साथ में शहला रशीद के बेगूसराय के बिहार गांव में 0 माइल 1 में कन्हैया जी के घर के बस सामने यहाँ पे पार्टी ऑफिस बनी हुई है पूरे जिसको कहते हैं चुनाव के लिए पूरे दौर के लिए एक पावर फील्ड ऑफिस बनी हुई। शैला जी आदाब नमस्कार, क्या रहा आपके 2 दिन में बेगूसराय का अनुभव? देखिए पहली बार इस तरह का मास अपील का लीडर जो है मुझे लगता है लेफ्ट से यहाँ पे उभरा है आफ्टर जो पिछले CPI के सांसद बने थे उनके बाद पहली बार ऐसा एक मास लीडर आया है लेफ्ट के अंदर जो ना सिर्फ लेफ्ट का नेता हो बल्कि मास का नेता हो। आपने देखा कि उनकी रैली में जहाँ पर आप भी मौजूद थे वहाँ पे RJD कांग्रेस आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियों के लीडर्स अथवा जो लेफ्ट पार्टीज हैं माले CPIM उनके लीडर्स वो सब लोग बैठे हुए थे तो उससे हम लोग को एक अंदाज़ा होता है कि ओवरऑल वेव जो है कन्हैया के फेवर में बन रहा है। आपने उस दिन 2-3 बहुत उमदा चीज़ें कही आपके तकरीर में मुझे जो याद रही अलग से चीज़ थी कि आपने जब आप वाइस प्रेसिडेंट थी JNUSU की और कन्हैया प्रेसिडेंट थे तो जो आपने उनसे सीखा वो ये सीखा कि अगर अलग अलग व्यूज भी हैं लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं थोड़ी बहुत नजरिया कुछ अलग अलग है मगर साथ में आवाम जनता के लिए काम करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टूडेंट्स की उसके ऊपर थोड़ा सा आप इलैबोरेट करेंगे। देखिए मैंने जिस तरह से उस टाइम कहा कि मैं कोई भी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ कन्हैया की, बस उनको इलेक्शन जिताना है तो हम कुछ भी बोल देंगे। जो भी तारीफ हम लोग कर रहे हैं उसके वो हकदार हैं। हम लोग जब यूनियन में आए तो हमारा एक बहुत स्प्लिट यूनियन था। कन्हैया जो है वो CPI के स्टूडेंट AISF से थे, हम लोग रामा और मैं हम लोग ISA से थे जो CPIML का स्टूडेंट है। उसके अलावा ABVP से एक शख्स जो है वो हमारे यूनियन में थे तो ये बहुत ही फ्रैक्चर्ड यूनियन था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था मतलब जैसे मेरा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था कन्हैया का जो इलेक्शन सबका अलग अलग ही था लेकिन कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं तो हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें मैक्सिमम चीज़ों पे हमने डिलीवर की तो इससे हमने सीखा कि किस तरह से सबको साथ में लेके काम करना चाहिए क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब तो हम 25 साल के थे जिस टाइम यूनियन में थे तो तब इतनी समझ नहीं थी कि तब ऐसा लगता था कि बस मेरी पार्टी सबसे बेस्ट है और हमें दूसरी पार्टी के साथ काम नहीं करना है। और मुझे लगता है बेगूसराय में भी मतलब इंशाल्लाह कन्हैया की जीत होगी लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोग उनके साथ में आ रहे हैं RJD के लोग साथ में आ रहे हैं तो मैं बस उनको यही यकीन दिलाना चाहती थी कि ये निष्पक्ष होकर काम करेंगे, दूसरे दलों के लोगों के साथ में काम करना जानते हैं और सारे वोटर्स के लिए काम करेंगे चाहे वोटर्स ने उनको वोट दिया हो या नहीं दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है वोट शाह जी। शैला रशीद का अगला कदम क्या होगा? शैला रशीद राजनीति में कब उभर के आएगा? देखिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो एक पार्टी लॉन्च की है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो डॉक्टर शाह फैसल है वो हमारी पार्टी के लीडर है तो उनके साथ में मिलकर हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें उम्मीद ये करते हैं कि हालात कुछ ठीक हो क्योंकि अभी तक जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज कश्मीर में हैं वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करती है लोगों के सेंटिमेंट को, लोगों के इश्यूज़ को और हमारे आने की वजह से अब आप देख लीजिए कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो धरना पर बैठ गई हैं जो अभी तक जो है कुछ भी नहीं कर रही थी। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि युवाओं के पास में जो एक मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव यानी एक मेन स्ट्रीम विकल्प रहे ताकि वो लोग अब दूसरी चीज़ों की तरफ ना जाए। आपको पता है कि कितना वायलेंस की तरफ कितना लोग जो है कंज्यूम होते जा रहे हैं तो अगर आर्मी भी जो है वो टारगेट करती है लोगों को अगर कभी फेक एनकाउंटर होता है कभी ऐसे उठा लिया जाता है अरेस्ट किया जाता है अरेस्ट मतलब वो अरेस्ट भी नहीं होता तो वो यंग लोगों को किया जाता है यानी 21-22 साल के लड़कों को 14 साल के लड़कों को और जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उनको भी रिक्रूट करना होता है वो भी इसी एज ग्रुप के लड़कों को टारगेट करते हैं। तो एज अ वुमन तो मैं ये कहूँगी कि द मैन हैव इट वर्स मतलब जो कश्मीरी लड़के हैं उनके साथ में ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो उनका कहीं पे मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो पीपल ऑल्टरनेटिव दे सबके लिए काम करें। हम अपने लिए पावर नहीं चाहते 50 साल तक हुकूमत नहीं करना चाहते बस ये चाहते हैं कि कुछ पॉलिसी चेंजेस ऐसे करके जाए कि लोगों की स्थिति बदले। तो आप अगले स्टेट इलेक्शंस में कुछ कदम उठाएं? जी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि अभी अभी हमारी पार्टी बनी है पहले लोग हमारे साथ जुड़े हैं हमारी आइडियोलॉजी को समझें तो उसके बाद हम लोग जरूर असेंबली इलेक्शन पर जाएंगे क्योंकि कई सारी सीट्स हैं हमारे पास ऐसे यंग लोग आ रहे हैं जो जो कंटेस्ट करना चाहते हैं
जो काम करना चाहते हैं किसी के लिए, वो चाहे कोई कंटेस्ट करा उनके लिए काम करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो एक बड़ी शुरुआत है. क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टी जो होती है कश्मीर में, उनमें उसमें जो है मतलब लोगों का मास पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन हमारी पार्टी में ये हो रहा है कि मास पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है युवाओं का. तो ये है, ये थी शैला रशीद, एक यूथ आइकॉन, एक सेलिब्रिटी भी, और जिन्होंने अपने वसूलों से, और वो 1.5 महीने में जब कन्हैया जी जेल में थी, उन्होंने पूरा लीडरशिप यूनियन का जेल का संभाला, बड़ी मेजोरिटी के संभाला. हम उनको सलाम करते हैं. वालेकुम अस्सलाम.